सिटी में रहने वाले लोगों के लिए एक जबरदस्त खबर लेकर आई हूं। अब तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज को ऑथराइज्ड कर दिया गया है। दिल्ली में 16 दिसंबर से अनऑथराइज कॉलोनीज में रहने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्री का प्रोसेस भी शुरू किया जा रहा है। 1731 अनऑथराइज कॉलोनीज के लिए DD ने एक नया पोर्टल भी तैयार किया है, जिस पर 16 दिसंबर से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी मैटर्स, आई एम शिल्पी डुडेजा। आज का शो जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे होगा अनऑथराइज कॉलोनीज का ऑथराइज प्रोसेस और साथ ही कैसे आप कर सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड। देखिए इस वीडियो में। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को उनके मकान की ओनरशिप अब मिल जाएगी। ऐसी कॉलोनीज में बेसिक एमिनिटीज नहीं मिलने की वजह से यहां रहने वाली पॉपुलेशन को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब सरकार ने रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ रेजिडेंट्स इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बिल 2019 पास करते हुए यहां रहने वाले लोगों के घर से छत टूटने का खतरा भी हटा दिया है। चलिए आपको बताते हैं कॉलोनीज के रेगुलराइज होने के बाद क्या फायदा होगा। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहने वाले लोग अपनी जमीन की खरीद बिक्री आसानी से कर पाएंगे। ऐसी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को हर तरह के लोन मिलने में भी दिक्कत आती है, लेकिन इनके ऑथराइज्ड होने के बाद प्रॉपर्टी पर लोन भी मिल जाएंगे। रेगुलराइज्ड होने के बाद कॉलोनियों में घरों की रजिस्ट्री भी हो जाएगी और सभी तरह की बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करवाने का काम भी शुरू हो पाएगा। सीवर, पीने के पानी की पाइपलाइन, सड़कें, नालियों और गलियों का कंस्ट्रक्शन भी होगा। सरकार के इस फैसले से करीब 40 से 50 लाख पॉपुलेशन को सीधा फायदा पहुंचेगा। हमारी भारत सरकार की कैबिनेट ने जो निर्णय लिया, वो निर्णय लिया कि दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनीज में करीब 40 लाख से ज्यादा, ऐसे तो लोग हमसे जो मिलते हैं वो कहते हैं 60 लाख लोग रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए उनको ऑथराइज करने के लिए नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, उन लोगों का अपने ज़मीन के ऊपर या अपने मकान के ऊपर कोई अधिकार ही नहीं है। वो किसी प्रकार का खरीद फरोख्त नहीं कर सकता। अगर वहाँ कोई रह रहा है उस मकान को, और वो बेचना चाहे तो नहीं बेच सकता है, कोई खरीदना चाहे नहीं खरीद सकता है। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, उनको जो है उसका अधिकार मिलना। 16 दिसंबर से अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का रजिस्ट्री प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। DDA ने इसके लिए एक नया पोर्टल तैयार किया है और नए पोर्टल के जरिए 16 दिसंबर से ही लोग इस पर अप्लाई कर पाएंगे। पहले फेज में उन लोगों को मालिकाना हक मिलेगा जिनके मामलों में कोई विवाद नहीं जुड़ा हुआ है। ऑथराइज कॉलोनीज में रहने वाले रेजिडेंट्स प्रॉपर्टी पर ऑनरशिप हक साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स जैसे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल, डिपॉजिट और पोजीशन लेने से जुड़े दस्तावेज अपलोड करेंगे। इसके बाद DDA की एक टीम मौके पर जाकर इंस्पेक्शन करके ऑब्जेक्शंस का निपटारा करेगी। DDA को 180 दिनों में प्रॉपर्टी का असेसमेंट करने के बाद कन्विंस डीड जारी करनी होगी। इसे लेकर प्रॉपर्टी ऑनर्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रजिस्ट्री के लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। यहाँ स्टैंप ड्यूटी जमा करने के बाद रजिस्ट्री हो जाएगी। इसी के साथ वेबसाइट प्रोसेस पर अगर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी तो एप्लीकेशन खारिज करते हुए उसकी वजह भी DDA को बतानी होगी। ऑनर्स चाहे तो बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट लिंक सब्सिडी का भी फायदा इसमें उठा सकते हैं। 1731 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की डिजिटल मैपिंग का काम भी इसी साल 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अब तक 600 मैप्स तैयार हो चुके हैं और ये वेबसाइट पर डाले जा रहे हैं। अनऑथराइज्ड से ऑथराइज्ड कॉलोनियों को 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहली सरकारी जमीन, दूसरी खेती के लिए जमीन और तीसरी प्राइवेट लैंड। प्रोसेस स्टार्ट्स विद डेलिनेशन ऑफ बाउंड्रीज। तो सबसे पहले हमें जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उनकी बाउंड्रीज क्लियरली मार्क करनी है। हमने सैटेलाइट इमेजेस ली हैं, 2015 ईयर की सैटेलाइट इमेजेस हमारे पास हैं, उसके ऊपर हमने लगभग 1000 कॉलोनीज की बाउंड्रीज मार्क कर दी। फिर हमने एक पोर्टल रेडी किया है, वो पोर्टल अब खुला हुआ है। RWAs उस पोर्टल में जाके अपनी कॉलोनी देख सकते हैं। इसमें 500 कॉलोनीज की बाउंड्रीज अपलोड कर दी गई हैं। दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि जो इंडिविजुअल्स अप्लाई करना चाहते हैं अपना अपने अपने एरिया को का मलकाना हक लेने के लिए, चाहे वो बिल्ट अप हो चाहे प्लॉट हो, उसकी एप्लीकेशंस के लिए भी एक अलग पोर्टल है। ये पोर्टल रेडी हो रहा है और ये पोर्टल जो है ये 16th से ओपन हो जाएगा। जब ये मालकाना हक मिल जाएगा, पूरा ओनरशिप हो जाएगी, उसके बाद रीडेवलपमेंट संभव होगी, जिसमें ये रोड्स पाथ्स वाइडन किए जा सकेंगे। कुछ वेकेंट प्लॉट्स वहाँ पे हैं
वो वेकेंट प्लॉट्स हम ले लेंगे और उन वेकेंट प्लॉट्स पे कहीं स्कूल की आवश्यकता है, कहीं पार्क की आवश्यकता है या जो भी और जरूरतें वो पूरी की। दिल्ली की 1731 अनऑथराइज्ड कॉलोनी 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंस में फैली हुई है। बुराड़ी, गोकुलपुर, नरेला, बवाना, मुंडका, किरारी, विकासपुरी, उत्तम नगर, नजफगढ़, पालम, छतरपुर और बदरपुर में है। आइडेंटिफाइड अनऑथराइज कॉलोनीज 175 स्क्वायर मीटर के दायरे में आती हैं और लोअर इनकम ग्रुप के लोग यहां बसे हैं। प्रॉपर्टी लीगल करवाने के लिए ऑनर पर ज्यादा आर्थिक बोझ भी नहीं डाला जाएगा। उनके पास एक साल में 3 EMIs में रेगुलराइजेशन फीस चुकाने का विकल्प होगा। पूरी फीस एक बार में चुकाने वाले ऑनर्स को एकदम से ऑनरशिप मिल जाएगी। 2 EMI चुकाने पर प्रोविजनल राइट्स मिलेंगे। पूरी पेमेंट के बाद कंप्लीट ऑनरशिप मिलेगी। सरकारी जमीन पर बने 100 स्क्वायर मीटर के मकानों को सर्कल रेट का 0.5% फीस लेकर रेगुलराइज्ड किया जाएगा। 100 से 250 स्क्वायर मीटर के मकान मालिकों के लिए सर्कल रेट का 1% और 250 स्क्वायर मीटर से अधिक मकानों के लिए 2.5% फीस लेकर रेगुलराइज्ड किया जाएगा, जबकि प्राइवेट लैंड पर बने मकानों को सर्कल रेट के आधे रेट पर नियमित किया जाएगा। इसमें कॉस्टिंग बेस्ड ऑन 2 टाइप्स ऑफ लैंड, ग्राम सभा और प्राइवेट लैंड, जिसमें मिनिमम 14.5 रुपए पर स्क्वायर मीटर से 4,800 रुपए पर स्क्वायर मीटर तक रेट फिक्स किए गए हैं और रेट्स को 3 तरह के कारपेट एरिया पर फिक्स किया गया है। प्लॉट्स अप टू 100 स्क्वायर मीटर, मोर देन 100 स्क्वायर मीटर और 250 स्क्वायर मीटर और मोर देन 250 स्क्वायर मीटर, यानी ऑनर को मिनिमम 1,450 रुपए और मैक्सिमम 1,200,000 रुपए देने होंगे। जब एक बार अधिकार मिल जाएगा तो इससे एक नई संभावना निकल कर के आती है और वो नई संभावना निकल के आते हैं रीडेवलपमेंट करने का, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लोगों को जो एक आदमी को जरूरत होती है, पानी, बिजली, सड़क, इंटरटेनमेंट, सोशल, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब तमाम सारी रिक्वायरमेंट, उन रिक्वायरमेंट की यहाँ पूर्ति नहीं होती क्योंकि ये सारे बेतरतीब तरीके से बसे हुए हैं। जब एक बार जब ये सारी चीज़ हो जाएगी तो मैं ऐसा देखता हूँ, मैं क्योंकि मैंने अपने अनुभव के आधार पर जो मैंने अपने देश विदेश में अनुभव किए हैं, मैं देखता हूँ कि 10-1 साल में जो ये हमारी जो अनऑथराइज कॉलोनीज है इनमें एक इतना खूबसूरत डेवलपमेंट होकर के निकलेगा दिल्ली का जो आवश्यकता है कि जहाँ पर सड़क भी हो, पार्क भी हो, हरियाली भी हो, हर एक सारी सुविधाएँ वैसी सुविधाएँ बन करके निकलेंगे। ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो हम उनको एक कन्वेंस डीड देंगे, जो प्राइवेट कॉलोनीज हैं उसमें एक ऑथराइजेशन स्लिप देंगे, उसको लेके फिर वो जाएंगे रजिस्ट्रार के ऑफिस में, वहाँ पे वो अपने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करा सकते हैं और उसके लिए उनको एक मामूली सी स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी। स्टैम्प ड्यूटी स्टैम्प पेपर के ऊपर वो रजिस्ट्री उनकी हो जाएगी और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फ्लड जोन में भी कई इलीगल कॉलोनीज मौजूद हैं। ओ जोन में बहुत सारी इलीगल कॉलोनीज हैं, इसीलिए यमुना के बंद के अंदर कई कॉलोनीज को वैध नहीं किया जाएगा, लेकिन जो कॉलोनीज यमुना के बंद से बाहर होंगी उन्हें रेगुलराइज्ड किया जाएगा। इन कॉलोनियों में जो सरकारी जमीन है वो दिल्ली सरकार की कैटेगरी 2 के रेट पर दे दी जाएगी ताकि वहां पार्क और बाकी सरकारी डेवलपमेंट हो सके। कॉलोनियों में अगर दुकानें हैं तो उसे मिक्स लैंड घोषित किया जाएगा। इतना ही नहीं, जल्द ही DDA सरकारी जमीन पर बनी अवैध कॉलोनीज के रीडेवलपमेंट का काम भी शुरू करने जा रही है। माना जा रहा है हाल ही में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जो 1731 हैं उनके भी रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो सकता है, लेकिन DDA के लिए इतना भी आसान नहीं होगा। माना जा रहा है इसमें 1 दशक से ज्यादा का समय लग सकता है। इस वीडियो पर लाइक, शेयर, कॉमेंट करना ना भूलें। मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और साथ ही फेसबुक पर भी फॉलो जरूर करें। मैंने अपना हैंडल नीचे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रॉपर्टी मैटर्स। Please subscribe to Magicbricks on YouTube and click the bell icon to get new videos.